तो मित्रों, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में आठवें घर में सूर्य बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही चंचल एवं त्यागी स्वभाव का होता है। निश्चय ही यह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है तथा सभी मनुष्यों की सेवा करने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन भी होता है, शील स्वभाव से भी हीन होता है एवं रति प्रिय होने के वजह से अच्छे कपड़े पहनना भी इसको सुलभ नहीं हो पाता है, मलिन वस्त्र पहनने वाला भी होता है। नीच स्वभाव वाले व्यक्तियों की सेवा में संलग्न रहने वाला ऐसा व्यक्ति परदेश में निवास करने वाला ज्यादातर देखा गया है। ऐसा व्यक्ति कृतघ्न भी होता है और हीन स्वभाव वाला भी, हीन बुद्धि वाला भी ऐसा व्यक्ति देखा गया है। आप ऐसे व्यक्ति से यदि मिलेंगे जिसकी जन्म कुंडली के आठवें घर में सूर्य बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति आपको डरा हुआ सा लगेगा, जैसे किसी दुश्मन के वजह से डरा हुआ है। वृथा ही इधर से उधर भटकने वाला, संतान की संख्या बहुत ही अल्प होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। इसके नेत्र बहुत ही चंचल होते हैं परंतु अति सुंदर भी देखने में होते हैं। ऐसा व्यक्ति कलही भी होता है, बहुत कलह करने वाला भी होता है। अगर ऐसा सूर्य जो जन्म कुंडली के आठवें घर में बैठा हो परंतु शत्रु के क्षेत्र में हो या शत्रु के घर में हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सर्प डस लेता है, इस वजह से मृत्यु होती है, अथवा बिजली गिर जाने से या बिजली के झटके लगने से ऐसे जातक की मृत्यु हो सकती है। परंतु यही सूर्य अगर शुभ राशि में बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की मृत्यु तीर्थ क्षेत्र में अथवा बड़ी ही उत्तम मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आप अपनी कुंडली देखिए और अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कीजिए। अगर कोई ना मिले तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी कुंडली देखकर बिल्कुल ही सही और सटीक उत्तर आपको दे देंगे, क्या होने वाला है ये भी बता देंगे और उसका उपाय भी बता देंगे।